Assalamualaikum. Hello, आज हम बनाएंगे Oreo cheesecake. ये बहुत ही सिंपल है और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. अभी हम शुरू करेंगे. सबसे पहले हम इसको Oreo बिस्किट की जो पैकेट है इसमें से बिस्किट निकाल कर इसकी क्रीम अलग करेंगे. क्रीम को हमने अलग रखे, अभी इसको हम इसमें चॉपर में बारीक करेंगे. हो गया है, ये आप देख सकते हैं. इस तरह करना है पाउडर. इसमें मैंने ये चार पैकेट बिस्किट के लिए क्रीम निकालकर, और इसमें हम 3 टेबल स्पून मेल्ट करके घी डालेंगे. इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे. ये अच्छी तरह मिक्स हो गया. अब इसको हम निकालेंगे डब्बे में. ये हमने एक टिन ली है, अभी इसके अंदर हम इसको निकालेंगे. ये हो गया है. अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे हाफ आवर के लिए. अब हम ऊपर की लेयर शुरू करेंगे बनाना. तो इसके लिए हमें लगेगा क्रीम चीज़. ये एक पैकेट हम क्रीम चीज़ का लेंगे. हाफ कप हम इसमें वार्म मिल्क लेंगे. और ये जो बिस्किट की जो क्रीम निकली है इसको भी हम लेंगे. 1 टेबल स्पून जेलेटिन है. आप जो अगर है चाइना ग्रास उसका भी आप पाउडर बना के ले सकते हैं. 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस. 1/2 कप से कम हम इसमें शुगर लेंगे. सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें हम क्रीम चीज को डालेंगे. ये हमने गैस पे चढ़ा दिए बर्तन को. अभी इसको हम मेल्ट करेंगे चीज को. इसमें हम जो बिस्किट में से क्रीम निकली उसको भी इसमें ऐड करेंगे, साथ ही इसमें शुगर भी ऐड करेंगे. इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून. साथ ही हम इसमें गर्म दूध में जो जेलेटिन डाल के रखा हुआ है उसको भी इसमें डालेंगे. अभी हम गैस ऑफ करेंगे. ये अच्छी तरह से हो गया है. अब इसको हमने फ्रिज से निकाले. ये अच्छी तरह सेट हो गया है. हम इसके ऊपर इसको डालेंगे जो अभी हमने चीज बनाए हैं. ओरियो बिस्किट जो बारीक करके रखे थोड़ी, इसको इसके ऊपर हम इसको इस तरह से, ये हमने इस पर अच्छी तरह से सेट करके रखे हैं. अभी इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर बाद में हम इसको निकालेंगे. ये हमने फ्रिज से निकाले. ये अच्छी तरह सेट हो चुका है. अभी इसको हम बाहर निकालेंगे इसमें से. ये हमने निकाल के रखे. बहुत ही अच्छा बना है, आप देख सकते हैं. कट करके दिखाती हूँ. मैं ये आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं. ये एकदम सॉफ्ट है और खाने में भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त सा है. आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. कमेंट भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.